प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जब भारत में नारी अनपढ़ और कमजोर थी और इसी वजह से समाज में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई और शोषित भी, परंपरा और प्रथा के नाम पर उस पे अत्याचार हो रहे थे। 19वीं सदी के महान सुधारकों राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर और महर्षि कर्वे ने उनके लिए विकास का पहला दरवाजा खोला, शिक्षा यानी पढ़ाई और लिखाई का। और उसके बाद एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले गए। ऐसे में रूढ़िवादियों के खिलाफ मुश्किलों की परवाह ना करते हुए कलकत्ते की दो लड़कियां कादंबनी बोस और चंद्रमुखी बोस 1883 में बीए की डिग्री हासिल करके भारत की पहली दो ग्रेजुएट महिलाएं बनी और उन दिनों पूरे भारत वर्ष में एक सनसनी सी फैला दी। ओ बंधु रे, गंगा का चिरंतन प्रवाह कलकत्ता में हुगली का रूप ले लेता है। इसके किनारे परंपरागत विश्वासों और आस्थाओं का ये महानाटक हजारों वर्षों से प्रतिदिन दोहराया जा रहा है। गंगा का ये प्रवाह इस बात का साक्षी है कि यह भूमि विचार और दर्शन, कला और विज्ञान के विकास और प्रसार में देश में विशेष रूप से आगे रही है। हुगली के विशाल पाट पर बना हावड़ा का यह प्रसिद्ध पुल महानगर कलकत्ता की पहली पहचान है। यहाँ की जिंदगी की रवानी का प्रतीक ये पुल आपको कलकत्ता के जीवन की रोजमर्रा की हलचलों से, गलियों बाजारों से, भीड़ भरी व्यस्तता से जोड़ता है। यहाँ धड़कता है बंगाल का ही नहीं पूरे देश का सांस्कृतिक हृदय और आप यहाँ के इतिहास और संस्कृति में अतीत और वर्तमान में झांक सकते हैं। ये जो सामने विधान सरणी में पुरानी सी इमारत दिखाई दे रही है, ये धरोहर है उस जमाने की जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। यही है स्कूल के रूप में जन्मा कलकत्ता का सुप्रसिद्ध बेथुन कॉलेज। बेथुन कॉलेज याद दिलाता है देश की पहली दो महिला ग्रेजुएट कादंबनी बोस और चंद्रमुखी बोस के संघर्ष की। इसे लड़कियों के एक स्कूल के रूप में शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के एक आदर्शवादी अंग्रेज अधिकारी जेईडी बेथुन ने। जेईडी बेथुन ने इसके लिए ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे समाज सुधारक और विद्वान की सहायता ली, जिनके अपने विचार लड़के और लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर देने के पक्ष में थे। कादंबिनी गांगुली जो बाद में गांगुली हुई और चंद्रमुखी बोस हु वर द पहली ग्रेजुएट्स थी इन इंडिया। जिस समय आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, जिस समय उन्होंने एंट्रेंस की टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एंट्रेंस इम्तिहान दी उन्होंने, उस समय किसी औरत को डिग्री नहीं दिया जाता था ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में। दिस इज इन 1877। तो दिस टाइम्स मस्ट बीन इंडीड वेरी डायनेमिक। बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हलचल थी। और मैं ये कहने मैं कहूँगी विदाउट एनी हेजिटेशन कि अगर आप राम मोहन रॉय के दिनों से टिल द एंड ऑफ द सेंचुरी देखें कि द वुमेन्स क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, महिलाओं के ऊपर चर्चा, उनकी शरीर पर चर्चा, उनकी सती कहिए, बाल विधवा कहिए, उनकी शादी के बारे में जो चर्चा चल रही थी, ये बहुत लोगों को इंटरेस्ट कर रहा था। मतलब दिस वाज द डोमिनेंट डिस्कोर्स इन दोज डेज। नाउ डोमिनेंट डिस्कोर्स ये नॉट ओनली अमंगस्ट द प्रोटैगनिस्ट जो चाहते थे, पर उनके खिलाफ भी जो थे, और काफ़ी लोग खिलाफ भी थे, बहुत थे। एवरी वन
person in the family. उन दिनों परिवार में कोई लड़कियों के स्कूल में जाने के पक्ष में नहीं था। उस समय का समाज इस बात के विरुद्ध था कि लड़कियां स्कूल जाएं, घर से बाहर कदम रखें। वे इस बारे में सोचने को भी तैयार नहीं थे। मैंने भी जब बचपन के दिनों में मेंडापुर स्कूल में पढ़ाई शुरू की तो इसका कारण यही था कि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। बैथून स्कूल की स्थिति उस समय विशेष रूप से सुदृढ़ हुई जब उसमें बंग महिला विद्यालय का विलय हुआ। तभी उसमें कॉलेज की कक्षाएं शुरू करके उसका विस्तार किया गया। उस समय कादम्बिनी बोस इस कॉलेज की पहली और अकेली छात्रा थी। उस पर आगे पढ़ने की धुन सवार थी और उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी। इससे पहले चंद्रमुखी बोस ने भी इसी आशय का आवेदन दिया था। इससे विश्वविद्यालय की पूरी सेनेट असमंजस में पड़ गई। लड़की और विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठे, ये बात उसके सदस्यों को अनहोनी और विस्मयकारी प्रतीत हुई। 5 वर्ष तक उनके संघर्ष करने के बाद सेनेट आखिर 1878 में लड़कियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने को तैयार हो गई, मगर कुछ शर्तों के साथ। 19वीं शताब्दी के उन अंतिम वर्षों में कादम्बिनी और चंद्रमुखी बोस ने हवा के खिलाफ चलकर जो साहस दिखाया वो जमाने के रूढ़िवादी तेवरों को देखते हुए कुछ कम न था। हमारे भारतीय समाज में अग्रणी भूमिका जिन जिन नारी का हुआ था उनमें चंद्रमुखी बोस का नाम सबसे पहले याद करना है। इनका जन्म हुआ था सन 1860 साल में देहरादून में एक बंगाली क्रिश्चियन परिवार में, और उस समय वो वहाँ पर जब रहते थे उनको शिक्षा की अग्रगति बहुत अच्छा हुआ, मगर जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास करने का समय हुआ तब उन्होंने यहाँ पर बंगाल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का उनकी सम्मति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये तो महिला के लिए ये परीक्षा नहीं हो सकती है, तो तब उन्होंने क्या करें, वहाँ से कोई फ्री स्कूल क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल से उन्होंने सम्मति लेकर उनको मिला और उन्होंने प्रवेशिका पास भी कर लिया। मगर प्रवेशिका पास करते हुए भी उनको बैथून कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि बैथून कॉलेज में उस समय क्रिश्चियन महिला को नहीं लिया जाता था। मगर उसी समय और एक महिला कादम्बिनी गांगुली, वो भी महिला के कॉलेज में बैठी चुकी थी और वो उनका भी जन्म हुआ था 1861 साल में। तो ये दोनों को एफए पास करने के लिए सम्मति मिल गई। शनिवार 10 मार्च 1883 को कलकत्ता के कॉलेज स्क्वायर में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपना दीक्षांत समारोह विशेष उत्साह से मनाया। इस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह की खास बात यह थी कि देश में पहली बार दो लड़कियां बीए की डिग्री लेकर ग्रेजुएट बनने जा रही थीं। पूरे का पूरा कलकत्ता उन्हें देखने के लिए उमड़ आया। कुछ लोगों में अविश्वास था, कुछ में विस्मय और कुछ में कौतूहल, मगर अधिकांश के मन में बंगाल की इन दो बेटियों कादम्बिनी बोस और चंद्रमुखी बोस के प्रति गर्व का भाव था। ईश्वरचंद विद्यासागर इतने खुश हुए कि उन्होंने चंद्रमुखी बोस को शेक्सपियर के नाटकों का सचित्र सेट पुरस्कार में दिया। इंग्लिश ऑनर्स में ऑनर्स लेके कोई एक ही महिला उस बार पास किए और वो हैं चंद्रमुखी बोस, और वो चंद्रमुखी बोस उसके पर पढ़े और उन्होंने एमए भी पास कर लिया और एमए भी पास करके उन्होंने शिक्षिका बनी। आज पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए अपने लिए किताबें खरीदना आम बात है। कॉलेज स्क्वायर में पुस्तकों की दुकानें कदम कदम पर दिखाई देती हैं और उनके साथ ही स्कूल कॉलेज जाती पुस्तकें खरीदती लड़कियों के दल भी। पर कादम्बिनी और चंद्रमुखी के लिए ये महज एक स्वप्न था। कादम्बिनी गंगोपाध्याय का बामो समाज के बरिशाल डिस्ट्रिक्ट है जो आजकल बांग्लादेश में है, वो बांग्लादेश के वो थी और यहाँ पर पढ़ी लिखी। उनके पिता बहुत ही अच्छे अग्रगति थे, उनका प्रगतिशील थे, उन्होंने लड़की को पढ़ाया।
लड़की को पढ़ाने के बाद जब वो एफए पास कर चुकी, कॉलेज में दाखिला लेने के बाद इन 1882 विद चंद्रमुखी बासु दे बिकेम द फर्स्ट ग्रेजुएट्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। द्वारकानाथ गांगुली वो थे ब्राह्मो समाज के, उनको जो चली हुई पद्धति थी उस समय सामाजिक पद्धति और स्कूलों में जो पढ़ाई जाती थी वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपने टेक्स्ट लिखने शुरू कर दी, किताबें लिखी और नई नई तरीके से बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू करी। और कादम्बिनी अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर्स वो देवर दी अर्ली स्टूडेंट्स। कादम्बिनी गांगुली पर द्वारकानाथ गांगुली का काफ़ी काफ़ी भारी इन्फ्लुएंस हुआ, इतने कि उन्होंने उनसे शादी भी की। शादी करने के बाद उनके पास 8 बच्चे हुए, 8 बच्चे, बाल बच्चे की माँ प्रैक्टिस करती थी, पढ़ाती थी, संसार में जो कुछ करना पालन पोषण कर सबको करती थी और साथ साथ लेडी डफरिन कॉलेज हॉस्पिटल में आती थी एज अ डॉक्टर, द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर टुगेदर विद आनंदीबाई जोशी। हो तो गई डॉक्टर पर उस सामाजिक, मैंने कहा वो सामाजिक समय में समाज में ऐसा था कि हलचल बहुत ही हो रही थी इस बारे में कि औरतों की क्या रोल है, कितनी बार शादी करनी चाहिए पुरुषों को, चाइल्ड मैरिज के बारे में, पॉलीगमी के बारे में, सती के बारे में। सती को तो आपके पता है कि आउटलॉड हो गई थी 1829 में, फिर भी चालू थी। ये सब बारे में लोगों के, पुरुषों के मन में बहुत सारे आइडियाज़ थे जिनके बारे में वो लिख रहे थे, बोल रहे थे। अच्छा, अब जब ये हो गई डॉक्टर, ये उनको बहुत ही बुरा लगा, मतलब रिएक्शनरी ब्रिगेड को बहुत ही बुरा लगा। इनफैक्ट बोंगोबाशी बोलकर एक बंगाली न्यूज़पेपर था, उन्होंने एक स्करिलस कैंपेन जो जिस तरह के आजकल होते बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में शुरू कर दी इनकी खिलाफ, कादम्बिनी के खिलाफ, एंड कॉल्ड हर अ वुमन ऑफ इजी वर्च्यू। कि उन्होंने कहा कि कॉलेज में गई है, शी हैज़ मेल पेशेंस, नॉट सो मेनी मेल पेशेंस बट शी हैज़ पेशेंस, शी मूव्स अराउंड फ्रीली, शी मस्ट बी, दैट मीन्स शी मस्ट बी अ लूज वुमन ऑफ लूज कैरेक्टर। देन हर हस्बैंड द्वारकानाथ गांगुली फाइल्ड अ केस एंड ही वाज अ वेरी आउटस्पोकन मैन, ही फाइल्ड अ केस, वन द केस। कादम्बिनी बोस विवाह करके कादम्बिनी गांगुली हो गई और पति का प्रोत्साहन पाकर बंगाल की पहली महिला डॉक्टर बनी। पर इतने से ही उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, उस पर राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव पड़ा और वो महिला उत्थान के काम में जुट गई। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उसने प्रेरणा प्राप्त की समाज में बदलाव लाने वाले गांधी जी के आंदोलन से, जिसमें चरखा स्वावलंबन का प्रतीक बना। सन 1907 में जो महिला प्रगति की एक संस्था बनी थी जिसको सखी समिति कहा जाता था, कादम्बिनी गांगुली उसके साथ शामिल थी और उसमें महिला आंदोलन का बहुत काम उन्होंने किया। अर्लियर इन 1889 शी हैड एड्रेस्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनी बेसेंट वाज फुलसम इन हर प्रेज ऑफ दिस वुमन, ऑफ दिस यंग वुमन रियली। So these were the times that we were talking about. So we have बहुत सारे धाराएं थे। एक तो थी reactionary trend, राधा कांतो देव with the very reactionary upholding, believing कि वही हिंदू धर्म समझते थे और कोई नहीं, कि ब्राह्मो समाज की तो बहुत ही बुरी influence थी कि young men को तो खींच ले रहे थे, औरतों की भी बिगाड़ रहे थे। ये माहौल में ये लड़की बड़ी हुई, पर ये सबसे बड़ी बात है कि बड़ी तो हुई पर अपनी जो सामाजिक रोल थी और पारिवारिक रोल थी उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करी। हमारी महिला की ज़िंदगी में क्या है, एक है जन्म, विवाह, बच्चा पैदा करना, बच्चा को बड़ा करना, फिर उनको शादी करना और बुढ़ापे में पति पत्नी, पति या पुत्र के साथ रहना। मगर ये देखा जाता है कि अपने के लिए उनके कुछ समय नहीं है। शी हैड अ फ्लरिशिंग प्रैक्टिस, she was in fact the doctor attached to the queen of nepal, wahan bhi jati thi un dinon mein, parantu apki ghar ke bare mein sab kuch wo fully in charge thi, to she was in some ways a superwoman of those times। ye hame manna zaruri hai ki jo pioneers the early generation ke jo the 19th century, but what is interesting is the kinds of debates that were being generated at that time and some debates which find reflection even today। बताया जाता है कि अब हमारे देश में आबादी 95 करोड़ हो गई है, जिसमें से 50% महिलाएं हैं और उनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं।
और सोचिए तो भारत 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहा है। भारतीय समाज में अब भी अशिक्षा जैसी चीज मौजूद है। वो तब तक सदा के लिए समाप्त नहीं होगी जब तक उसके मूल स्रोतों पर रोक नहीं लगेगी। Then illiteracy cannot be eradicated forever. अगर इतना प्रगति होते हुए भी हमारे अशिक्षा भी है, हमारे परसेंटेज ऑफ महिला की शिक्षा 40% से ज़्यादा नहीं है, पुरुष का जब 88% होता है तब महिला की 44% होता है। अशिक्षितों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। आज़ादी के 50 वर्ष बाद भी इतनी अधिक अशिक्षितों की आबादी बड़ी शर्म की बात है। हालांकि हमारे संविधान में सबको साक्षर बनाने की बात कही गई है, पर असलियत क्या है? इसके लिए अकेले केंद्र या राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अकेले हम साक्षर बने, विज्ञान का, हाइजीन का लाभ उठाएं, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? हर नागरिक, हर पुरुष या हर महिला के लिए यह जानना जरूरी है कि उसके घर के भीतर और बाहर क्या हो रहा है। औरत अगर अपने घर को ही सुरक्षित न रख सके, वह औरों की सुरक्षा क्या करेगी? इसके लिए उसे हर बात को जानना अनिवार्य है। उसे जानना होगा कि पर्यावरण क्या है, हाइजीन क्या है, विज्ञान क्या है। गांव में और कस्बों में महिलाओं को पढ़ना लिखना आना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि जब नया बच्चा जन्म ले तब क्या करना चाहिए। उन्हें खुद अपने घर के बारे में, गृह विज्ञान के बारे में सब जानना चाहिए। और उसके लिए हर लड़की या महिला का यह कर्तव्य है कि वह अपने घर में ही बैठक खाने के अंदर न बैठी रहे। वो उन सब के पास जाए जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं। अगर हम निचले से निचले आधारभूत स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। If we do not meet the people there, if we do not go there, just to the grassroots level, we can't do anything. जो दो बहन के बारे में मैं कह रही हूँ, चंद्रमुखी बोस और कादम्बिनी गांगुली, एक शिक्षा चर्चा में रह गई और ये हमारी सामाजिक आंदोलन और मेडिकल का जो जितना काम होता है, इसके हॉस्पिटल स्थापना, बाल बच्चों के शिशु मंगल की तरफ काम करना, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए भी उन्होंने भाग लिया। और वो जैसे माता थी ऐसी पत्नी थी, ऐसी आपकी संसार में जो गृहिणी थी, और सब करके उन्होंने बहुत ही एक अच्छा स्थापना किया जिसका आदर्श आज भी हम लोग याद रखेंगे। क्योंकि आजकल के दिन में जब लड़कियां डॉक्टर बनने चाहती है या कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने चाहती है या इंजीनियर बनने चाहती है, बहुत सारे चीज़ जो बनने चाहती हैं, आजकल भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में उनकी रेजिस्टेंस, उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। पर हमें ये, और बंगाल में भी होता है, जो हम सोचते हैं कि एक पायनियरिंग स्टेट थी, आप जैसे कहते हैं कल्चरल कैपिटल थी इन द 19th century, पर व्हेन वी लुक बैक एंड थिंक कि इफ दिस वुमन, एक शताब्दी तो बीत गई है, पहले इतना कुछ कर पाई थी, तो हम लोगों के लिए भी अभी काफी आशा है। महिलाओं को पहली बार उच्च शिक्षा की राह दिखाने वाली कादम्बिनी बोस और चंद्रमुखी बोस के समय से हावड़ा पुल के नीचे से न जाने कितना जल गुजर गया है, किंतु ज्ञान गंगा का प्रवाह सतत जारी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। न महिलाओं को, देश की आधी आबादी को उसके लाभ से कोई वंचित
रख सकता है। शिक्षित महिलाएं देश की प्रगति की, विकास की मुख्य धारा का महत्वपूर्ण अंग बनती जा रही हैं। उनके सामने संभावनाओं के नए क्षितिज खुलते जा रहे हैं और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें छूने के लिए तैयार हैं। अपनी शक्ति और क्षमता का उन्हें बोध हो चुका है, हालांकि उनके विरुद्ध पूर्वाग्रह अब भी बाकी हैं। पर गंगा की धारा की तरह वो उनकी परवाह न करती हुई आगे निकल रही हैं। उनके लिए जीवन की अब एक ही दिशा है, वो जो उन्हें आगे और आगे ही ले जाएगी। कादम्बिनी और चंद्रमुखी बोस ने शुरुआत भर की थी, पर उनकी पहल ने इतिहास का निर्माण किया। बेथुन कॉलेज आज भी उस युग के स्मारक के रूप में खड़ा महिलाओं को प्रेरणा दे रहा है।